उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के चक फाजिलपुर के रहने वाले किसान मोहम्मद वारिस ने कई संगीन इल्जाम आयद करते हुए इल्जाम लगाया कि किसान से कहा गया कि उसने जिरात को बढ़ाने के लिए दवा ली थी, लेकिन कीड़े मार दवा में कुछ केमिकल मिला था जिसकी वजह से उसकी पूरी खेती बर्बाद हो गई। अब इस मामले को लेकर जिला इंतजामिया से इंसाफ की दरख्वास्त कर रहे मुरादाबाद जिला में मुतासरा किसान ने इंतजामिया को शिकायत दी है। कुंदरकी में किसान परेशान। जी हाँ, किसानों की खेत में गेहूं जबरदस्त तरीके से खराब हो चुका है। जब किसानों के रोने की सूचना हम तक पहुंची तो हम किसानों तक पहुंचे। आखिर मालूम करते हैं क्या वजह रही कि हजारों रुपए का गेहूं किसानों का गल गया। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद वारिस। वारिस जी, क्या वजह रही ऐसी जो आपका गेहूं जो है गल गया? साहब, न पता कौन सी दवाई, मतलब आपको दुकानदार से क्या गया था, मैंने सब मेरे स्प्रे करा दी, न पता कौन सी दवाई लगा दी, सब घास तो रह गई मगर सब गेहूं मारा गया। तो किस तरीके की दवाई थी वो? नहीं पता कौन सी दवाई थी, मुझे दिखाई नहीं थी, मैं तो मुरादाबाद चला गया था, मैं अपने अपने बिना पता उसको खुद नहीं कराई। कहाँ रहता है वो दुकानदार, कहाँ दुकान है उसकी? शेखपुर में रहता है, कुंदरकी में दुकान है। कुंदरकी में दुकान है, क्या नाम है उसका? उसका नाम अशीन, नाम अशीन, अशीन नाम है। तो कोई आपने शिकायत की थाने पर, कहीं पर शिकायत की इस बात की? अच्छा, थाने के बाद में थाने में शिकायत करी, बोले ठीक है, बोले आपका नुकसान ज्यादा भेजा हुआ, मैंने फोटो दिखाया था उन्हें। क्या आश्वासन मिला थाने से आपको? वो बोले ठीक है, नुकसान तो भेजा है भाई, इसका जरूर हर जगह देना पड़ेगा उसे। दुकानदार को? हाँ, दुकानदार को। वो बोले मुझसे, बोले आप, बोले मैं 20 किलो डाई दे दूंगा और मेहनत लगा दे उसमें। मैं बोला मेहनत लगा दूंगा, मतलब जड़ इतनी महंगी है, मैं दोबारा लगान लगाऊंगा, मैंने 15-20 हज़ार की लगान लगी। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे, कोई कमाने वाला है नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। आप इनकी पत्नी है? अरे पत्नी आप इनकी, ये बताइए, बच्चे गेहूं गल गया और कैसे रोटी खा रहे हैं बच्चे मासूम? कैसे खाएंगे, तो जब गेहूं ना होंगे तो कहाँ से खा लेंगे अब बच्चे? बच्चे कौन से कहे, बच्चे कौन से कहीं पहने जा रहे हैं, वो तो जल गए, जला दिए उन्होंने गेहूं, तो गेहूं लगे। साल भर रोटी कैसे खिलाएंगे आप इनको? अब कैसे खिलाएंगे, जब कोई कमाए ना इनकी, इनकी बीमारी में वो हो जाए, गठिया का मर जाए, तो इनके काम ना चल जाएगा, तभी तो हम गेहूं लेंगे या बीमारी को देखेंगे या हम गोद खरीदेंगे दोनों को। ये कौन है? ये अम्मा है। अम्मा क्या सोचती है, किस तरीके से रोटी खाएंगी अब? भैया मजदूर आदमी तो मजदूरी समझो, अब ऐसी बात है, यही चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी बात हो, कुछ से कुछ बचत हो जाएगी बच्चों के खातिर, हम तो बेकार हो नहीं है, वरना रोटी नहीं खा पाएंगे। रोटी नहीं खा पाएंगे, कहाँ से खा पाएंगे, लड़का भी मेरा बीमार रहता है, तो गठिया का मरज है। एहसास हो सकता है कि किस तरीके से एक किसान बोता है, उसके बाद उसके बच्चे रोटी नहीं खा पाते, उसकी फसल खराब होने के बाद। गजनफर अली, कुनर की।